राजधानी में भू माफियाओं ने जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है और हाल फिलहाल में राजधानी दून के विस्ट गांव में कुछ लोगों ने सरकारी रास्ते पर ही अवरोध पैदा कर जमीन कब्जा करने की कोशिश की है, जिसके चलते ग्राम प्रधान और समस्त ग्राम वासियों ने शासन से लेकर प्रशासन तक इसकी शिकायत दर्ज कराई। साथ ही जिलाधिकारी से लेकर SDM और तहसीलदार तक से अवरोध हटाने की आदेश भी पारित कर दिया गया है, लेकिन सभी आदेशों को दरकिनार करते हुए कुछ अधिकारी मामले को टालमटोल कर रहे हैं और लोगों को भटकाने के लिए नई नई बातें बता रहे हैं। वहीं मंगलवार को विस्ट गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को मांग करते हुए कार्रवाई के लिए मांग की है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो नक्शे में भी है वो भू माफिया ने रोक रखा है और उसमें काफ़ी DM साहब ने पहले एक आदेश भी करे थे और आदेश करने के बाद भी वो तहसीलदार पटवारी सब वहाँ पर गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी बना के दे रखी है। अगर रास्ता खोलेंगे तो दोबारा इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ही वहाँ जाते हैं तो वे कुर्सी घेर के गाड़ी लगा के वहाँ बैठे रहते हैं और बदतमीजी करते हैं। पहले से ही ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो सरकारी भूमि है उसके ऊपर कहीं भी अतिक्रमण पाया जाता है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए, और क्योंकि ये मामले डेली बेसिस पे आते हैं और डेली बेसिस पे कार्रवाई भी होती है, और अगर कहीं कोई लिप्त पाया जाएगा तो तत्काल उन पर कार्रवाई।